अब देखो बच्चों, आज हम तुम्हें भिन्नों का जोड़ना और घटाना एक नए तरीके से बताएंगे। अब तक तुम लासे लेकर तो जोड़ घटा कर ही लेते हैं, शायद बच्चे जानते ही हैं, लेकिन आज हम एक नए तरीके से जोड़ना और घटाना सिखाएंगे जो बहुत ही आसान तरीका है। तो देखो, पहले तो मैं लासा लेकर करके दिखाता हूं आपको। चार और तीन का लासा आएगा कितना, बारह। चार से भाग करेंगे, चार तीन बारह, तीन एकम तीन, तीन चौक बारह, चार दूनी आठ। तो इस तरह से जो उत्तर आएगा आठ और तीन ग्यारह बटा बारह। ये वो तरीका है जिससे हम अक्सर करते हैं सवालों, लेकिन अब हम एक नया तरीका देखते हैं उस तरीके से हम कैसे इन भिन्नों को हल कर सकते हैं। तो देखो, ये हम पहले बता चुके हैं तुम्हें, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। इसमें अंश एक है, हर चार, इसमें अंश दो है और हर तीन है। तो इन दोनों पे जरा हर पे ध्यान देंगे। पहले वाली भिन्न का हर है चार, तो हम चार खाने बना लेते हैं इस तरह से। तीन लाइनें खींच देंगे तो चार खाने बन जाएंगे। ये चार खाने ऐसे बन गए। ये हो गया एक बटा चार वाली भिन्न को दर्शा रहा है ये चार। दूसरे में हर कितना है, तीन। तो ऐसे ऐसे तीन खाने हम बना लें, तो दो लाइनें खींच देते हैं, बीच में तीन खाने बन जाएंगे। ये दर्शा रहा है दो बटा तीन। दोनों के हर के हिसाब से हमने खाने बना लिए। अब देखेंगे अंश। तो पहली भिन्न का अंश है एक, तो एक खाना इसमें से हम कोई सा भी चुन सकते हैं। ये जो चार खाने हैं इसमें से कोई भी एक खाना चुन लें, मान लीजिए हमने चुन लिया, और इनमें सब में प्लस के निशान बना लिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब दूसरी भिन्न में अंश कितना है, दो। तो इधर से कोई भी दो खाने चुन लें, माना ये वाला चुन लिया और ये वाला चुन लिया, इनमें सब में प्लस के निशान बना लें। जहां बन चुका है इसमें फिर से बनेगा ये इस तरह। ये अब जितने भी प्लस के निशान है उन सबको गिन दो। तो देखो 11 निशान हो रहे हैं प्लस के, और टोटल खाने कितने हैं, ये छोटे वाले 12 खाने हैं। तो इस तरह से हमारी भिन्न हल हो जाती है 11 बटा 12, जो कि हमारा लासा लेकर भी इतना ही उत्तर आया था, और हमने इस तरह से करा तब भी इसका उत्तर 11 बटा 12 ही आया। समझ में आया सबके? अब हम देखो एक सवाल इसी तरह के लेते हैं घटाने वाला। एक सवाल तुम्हें घटाने वाला बताते हैं इस तरह से ही। अगर भिन्नों को घटाया जाए तो इस तरह से हम कैसे घटाएं। एक भिन्न मैं यहां पर लेता हूं, तीन बटा पांच माइनस दो बटा तीन। पहले इसको हम लासा लेकर हल करके देख लेते हैं। पांच और तीन का लासा पंद्रह आएगा, ठीक है। पांच दिया पंद्रह, तीन दिया नौ, माइनस तीन पंजे पंद्रह, पांच दुनी दस। तो नौ में से दस घटाएंगे, एक बचेगा, लेकिन किसका? वेरी गुड, माइनस का एक बटा। तो ये आया हमारा लासा लेकर नौकता। अब देखो इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। इसका हर कितना, पांच। तो ऐसे कितने खाने बनाए, पांच खाने। पांच खाने बनाने के लिए हमने चार लाइनें ये, तो ये हमारा दर्शा रहा है तीन बटा पांच। इसका हर कितना है, तीन। ऐसे कितने खाने बनाए, तीन खाने बनाए। ये हो गया आपका दो बटा तीन। समझ में आ रही बात। अब देखो पहले वाली भिन्न धन की है, तो पहले अंश कितना है, तीन। कोई भी तीन खाने चुन लेंगे और किसके निशान लगा देंगे, धन के निशान लगा। हमारी बात। दूसरी वाली भिन्न देखो ऋण की है, ठीक है, घटानी पड़े इसमें से। इसका अंश कितना है, दो। अब दो खाने चुन लो इधर से, एक ये चुन लिया और ये चुन लिया। अब निशान हम कौन से लगाएंगे, ऋण के निशान लगाएंगे, क्योंकि घटा रहे हैं, माइनस निशान लगाएंगे। पर जोड़ रहे थे दोनों प्लस लगा रहे थे, तो माइनस लगाना शुरू करो। ये लगाया, ये लगाया, ये सब में एक माइनस।
कितने खानों में लगाए? दो खानों में। दो खानों। अब देखो एक प्लस और एक माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है, एक प्लस को एक माइनस खा जाता है, ऐसा समझो। तो ये आपस में खत्म हो गए, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इस वाले माइनस से ये वाला प्लस खत्म, और इस वाले माइनस से ये वाला प्लस खत्म, और इस वाले माइनस से ये वाला प्लस। तो कुल मिलाकर कितने माइनस बचे? एक माइनस बचा। इसको हम यहां लिख रहे हैं माइनस का एक बचा। कुल कितने खाने थे? 15 खाने थे। तो उत्तर कितना आया? माइनस का 1/15, जो कि हमारा लासा लेकर भी आ रहा था। और वैसे समझ में आया दोनों तरीकों से? यस।